अब मामला बहुत सारी दुआओं और बददुआओं पर मुनासिब। साउथ अफ्रीका कुछ ना करे, अरे भाइयों बैठ जाओ मसलों के ऊपर, तस्बीहां पकड़ लो और आयते करीमा पढ़नी शुरू कर दो और इस्तगफार करना शुरू कर दो, और अब तो हमें सिर्फ अल्लाह ही जितवा सकता है। अल्लाह पाक की जात जो है वो हमें जो है वो आगे T20 वर्ल्ड कप में लेकर के जा सकती है। कल इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इंडिया जीतेगा, हम इंडिया के साथ हैं। कोहली सेंचुरी करेगा, ठीक है, और साउथ अफ्रीका को हम करेंगे बाहर। ये इंडिया मैच जीत जाता है ना और इंडिया पहुंच जाता है, तो हम कभी उसको फाइनली जीते देंगे। दुआएं कीजिए, डालो मसले, फड़ लो तस्बीहां, क्योंकि यही अब हमारे हाथ में रह गया है। हमारी टीम ने हमें जो है वो इस हालत में ले आए हैं कि अब हमें कहते ना अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी दुआएं करनी पड़ रही हैं कि तू जीत जा, तू हार जा, तू जीत जा, तू हार जा। बांग्लादेश से हम जीतेंगे और इसके बाद हमारा नेदरलैंड्स मैच है इंशाल्लाह, वो हमने तो तीनों जीतने हैं ना, इसमें तो हमने साउथ अफ्रीका को हरा के छोड़ना है। बार पहले दुआएं हम इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए करते हैं इंशाल्लाह ताला, सब इंडिया के साथ हैं हम, ठीक है, नेबर्स हैं आखिर, कोई तो हक बनता है उनका, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे और फायदा खुद उठाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तानी स्पेशल HD के और नए वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने इंट्रो में देखा कि किस तरह से जो लोग हैं पाकिस्तान के वो अब ये बात बोल रहे हैं, खास करके लड़कियां, कि अब विराट कोहली शतक मारेगा आज के मैच में और भारत ही हमें सेमीफाइनल में लेके आएगा और उसके बाद हम भारत के लिए अभी तो मन्नत करेंगे, उसके बाद भारत को हराने की साजिशें करने लगेंगे और कलमा पढ़ेंगे। यानी कि हमेशा पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हमेशा धोखाधड़ी ही जानते हैं। एक तो अभी सेमीफाइनल में आने के लिए वो कह रहे हैं कि भारत से के लिए मिन्नतें करेंगे, दुआएं मांगेंगे, और जैसे ही हम आ जाते हैं सेमीफाइनल में उसके बाद भारत को लात मार देंगे। यानी कि ऐसा पाकिस्तान के लोगों की जो सोच है वो इतनी गंदी हो चुकी है कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, तो आपको क्या लगता है कि आज के मैच में कौन जीतने वाला है और किसका बल्ला आज ज़्यादा चलने वाला है, रोहित शर्मा की बल्ला चलेगा या नहीं और विराट कोहली का अर्धशतक पूरा होता है या नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी देखते हैं पूरा वीडियो और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की जो गर्ल्स हैं और मीडिया है उसका क्या रिएक्शन होने वाला है। साउथ अफ्रीका कुछ ना करे, अरे भाइयों बैठ जाओ मसलों के ऊपर, तस्बीहां पकड़ लो और आयते करीमा पढ़नी शुरू कर दो और इस्तगफार करना शुरू कर दो, और अब तो हमें सिर्फ अल्लाह ही जितवा सकता है। अल्लाह पाक की जात जो है वो हमें जो है वो आगे T20 वर्ल्ड कप में लेकर के जा सकती है। और फिर शाम 4 बजे वो मैच होगा जो मैच ऑफ द मैचेस है, जो मदर ऑफ द मैचेस है, जो फादर ऑफ द मैचेस है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए, यानी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। और सब जो है वो दुआएं मांग रहे होंगे, या अल्लाह इंडिया जीत जाए, या अल्लाह इंडिया जीत जाए। और इंडिया के हाथ में आ गई है अब पाकिस्तान की किस्मत का फैसला, ऑलमोस्ट समझ लें कि अब हमें यह करना पड़ रहा है कि हम इंडिया की जो है वो सपोर्ट करने जा रहे हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के लिए देखिए बात यह है कि इंडिया के लिए ये मैच डू एंड डाई नहीं है, लेकिन इंडिया भी रिस्क नहीं लेगा क्योंकि इंडिया भी ऑफिशियली अभी तक क्वालिफाई नहीं कर सकता। T20 वर्ल्ड कप है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इंडिया बिल्कुल रिस्क नहीं लेगा। दे विल गो ऑन टू विन द मैच, उनके लिए भी ये मैच उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना साउथ अफ्रीका के लिए। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग समझ रहे हैं कि शायद इंडिया जो है वो थोड़ी ढील से खेलेगा, उनको पता है कि चलो कोई मसला नहीं, अगर हम हार भी गए तो आगे हमारे 2 मैचेस पड़े हैं, बांग्लादेश के खिलाफ मैच है, फिर हमारा जो है वो जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच है। तो भाई हू नोस, बांग्लादेश कैन डू द अपसेट, बांग्लादेश इंडिया को शिकस्त दे सकता है, किसको पता है, ये तय थोड़ी है कि भी बांग्लादेश इंडिया से हारेगा ही। और फिर बारिश आ जाए, बारिश की जाए, साजिश की जाए, कुछ भी हो जाए, तो फिर क्या बनेगा जनाब, फिर इंडिया की भी कांपे टांग सकती है। दुआएं कीजिए, डालो मसले, फड़ लो तस्बीहां, क्योंकि यही अब हमारे हाथ में रह गया है। हमारी टीम ने हमें जो है वो इस हालत में ले आए हैं कि अब हमें कहते ना अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी दुआएं करनी पड़ रही हैं कि तू जीत जा, तू हार जा, तू जीत जा, तू हार जा। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर बहुत ज्यादा मुश्किलात में आ गया है, अब मामला बहुत सारी दुआओं और बददुआओं पर इंडिया पर डिपेंड कर रहे हैं। क्या लगता है सूरत हाल कल किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, क्या कल इंडिया जीतेगा या फिर साउथ अफ्रीका? अच्छा, कल तो हम तो बड़े एक्साइटेड हैं भाई, हमारे साथ जितने बच्चे हैं ये तो कोई मैच मिस नहीं करते, और आज हम शॉपिंग पे आए हैं लेकिन हमारा दिल क्रिकेट में ही अटका हुआ है, ठीक है। अब हमारा हमने आज कंप्लीट काम अपना सारा होमवर्क कर लिया है, ठीक है, क्योंकि हमने कल मैच देखना है। अच्छा, अब ये सूरत हाल है कि कल इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इंडिया जीतेगा, हम इंडिया के साथ हैं। कोहली सेंचुरी करेगा, ठीक है, और साउथ अफ्रीका को हम करेंगे बाहर और हम आएंगे, हम हो जाएंगे वर्ल्ड कप में इन, ठीक है। अगले सारे मैचेस जो हमने कैलकुलेशन करके रखी हुई है, बांग्लादेश से हम जीतेंगे और इसके बाद हमारा नेदरलैंड्स मैच है इंशाल्लाह, वो हमने तो तीनों जीतने हैं ना, इसमें तो हमने साउथ अफ्रीका को हरा के छोड़ना है। बार पहले दुआएं हम इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए करते हैं इंशाल्लाह ताला, सब इंडिया के साथ हैं हम, ठीक है, नेबर्स हैं आखिर, कोई तो हक बनता है उनका, हम उन्हें सपोर्ट करेंगे और फायदा खुद उठाएंगे, ठीक नहीं, और इंशाल्लाह ताला देखिएगा आप कल। और अगर फॉर एग्जांपल नहीं भी हो सकता हमसे, ठीक है, अगर हम वो साउथ अफ्रीका जीत भी जाता है तो कोई बात नहीं, हम अगले तीनों मैचेस जीतेंगे और वापस पाकिस्तान आ जाएंगे।
प्लानिंग तो आपकी बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त आपने प्लानिंग करके रखी हुई है, लेकिन क्या आपकी प्लानिंग के ऊपर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पूरा उतर पाएगी? एक्चुअली देखिए, हम भी बाय हार्ट एंड बाय माइंड पाकिस्तानी है, वो भी वही है, ठीक है, जो हम सोचते हैं वो भी वही सोचते हैं, ठीक है ना, तो इंशाल्लाह ताला पूरा उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे भाई, आखिर हमारी टीम है, हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेगी, हमें जब पता होता है ना कि ये हार जाएगी तब वो हार भी जाती है, ठीक है, क्योंकि वो सेम बिहेव करती है जैसा हम सोचते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप देखना हम तीनों मैचेस भी जीतेंगे, इंडिया को भी जितवाएंगे हमेशा, और अपना जो वर्ल्ड कप है वो एशिया में ही लेके आएंगे, हम नहीं लेके आएंगे तो कोई और ले आएगा, मतलब अगर पाकिस्तान में आता तो चलो इंडिया में ही चला जाए, चलो आ जाए फिर, नहीं लेकिन जब अगर ये इंडिया मैच जीत जाता है ना और इंडिया पहुंच जाता है तो हम कभी उसको फाइनली जीतने देंगे हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे भाई, हम सिर्फ सपोर्ट उसको, अभी आप कह रही थी कि मैं इंडिया के लिए दुआ कर रही हूं, नहीं ऑफ कोर्स करूंगी ना, वो तो हम इसलिए दुआ करेंगे, वैसे मैं थोड़ी सी हार्ड बात बोलने लगी हूं कि वो गधे को भी बाप बना लेते होते हैं ना कि जब अपना फायदा हो, ठीक है, हमने खुद जीतना है तो इसलिए हम इंडिया को इसलिए सपोर्ट करें, अगर जब इंडिया अगर हम बाहर हो गए तो हम इंडिया को भी इंशाल्लाह कभी वर्ल्ड कप नहीं जीतने देंगे, हम इतनी दुआएं मांगी, ये तो वो बात होगी ना, खेडांगे ना खेडन ध्यान को, ऐसे ही होगा भाई, हम इंडिया ये ना सोचेगी ना हम खेलने इसलिए दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान एकदम इन हो जाए, जब हम इन हो जाएंगे फिर उनको देख, इंडिया को हम दुश्मन मुल्क कहते हैं, हमारा हम साया मुल्क हमने दुश्मन मुल्क बना दिया, लेकिन आप भी अभी उनके लिए कभी दुआएं कर रही हैं, कभी कह रहे हैं कि हमें फाइनल तक उन्हें पहुंचने नहीं देना, ये माजरा क्या है? ये माजरा यही है ना कि जब हमें अपनी अपना फायदा नजर आएगा तो हम देखेंगे भाई क्या करना है, ठीक है, इस वक्त तो हमें ये है कि हम इतने पेट्रियोटिक हैं कि हम अपने पेट्रियोटिज्म के पीछे इंडिया को भी सपोर्ट करेंगे, उस वक्त हम ये नहीं देखेंगे दुश्मन है, वैसे दुश्मन नहीं है, चलो नेबर्स हैं, थोड़े ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए, लेकिन ये है कि जब कंपटीशन हो जाएगा तो फिर हम उसको बाहर कर देंगे, जब हमारे साथ होगा, जब हमें अपना फायदा नजर आएगा तो हम उनको सपोर्ट भी कर लेंगे, इट्स फाइन, मतलब आप दुआएं कर रहे हैं इंडिया के लिए? अब तो जाहिर बात है दुआ तो करनी पड़ती है हमारी, और क्या करें, मुल्क के लिए तो कुछ दुआ करनी पड़ती है, मुल्क के लिए सब कुछ करना पड़ता है, इंडिया के लिए भी दुआ करनी पड़ती है। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो पाकिस्तानी पब्लिक है उनकी सोच इतनी गंदी हो चुकी है कि वो अपना काम निकालने के लिए किसी को भी जाल में फंसा भी सकते हैं और फिर उनको ऐसा लात मार सकते हैं कि उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरह से जो पाकिस्तान की महिलाएं हैं वो कह रही हैं ये बात कि हम आज भारत के लिए मिन्नतें करेंगे, दुआएं मांगेंगे ताकि हमारी जो टीम है वो सेमीफाइनल में पहुँच सके, अगर भारत जीतता है साउथ अफ्रीका से तब हमारी जो टीम है यानी कि पाकिस्तान वो सेमीफाइनल में जाएगी, उसके बाद हम भारत के लिए हारने की दुआएं मांगने लगेंगे क्योंकि भारत ही है आज जो कि उसे सेमीफाइनल में पहुंचा सकता है। और वो ये बोल रही हैं कि विराट कोहली आज अपना शतक पूरा करेगा और हमें सेमीफाइनल में पहुंचाएगा, यानी कि जो पाकिस्तान पहले हमेशा भारत की हार पे खुशी मनाता था आज वही पाकिस्तान अपने लिए वो भारत की जीत की कामनाएँ कर रहा है और कह रहा है कि मैं उसके लिए दुआएँ मांगूँगा। अभी तक तो पूरे पाकिस्तान के जो लोग थे और जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर थे वो भारत पे उंगली उठा रहे थे कि जो भारत है वो अगले हफ्ते वर्ल्ड कप से बाहर आ जाएगा और हम लोग इस हफ्ते बाहर आ गए, यानी कि पहले से ही वो लोग मना रहे थे। जैसे कि शोएब अख्तर की बात की जाए तो शोएब अख्तर पहले बोलते थे कि भारत जो है वो अगले हफ्ते बाहर आ जाएगा वर्ल्ड कप से, उसके बाद उनको जिस तरह से ट्रोल किया गया मीडिया के खास करके पाकिस्तानी मीडिया पे उसको देख के मजा आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।